हमारा मकान जल गया, हमारी बहनें चली गई, हमारा माँ बाप चले गए, हमारा जनाजा नहीं मिला अब तक आज तक का। हम उनको ढूंढते ढूंढते हम बर्बाद हुए थे। क्या अपना तलवार गिंदास बंदूक ये सब ले लेकर चढ़े इन गरीब आदमियों को। ऊपर कोई गोली चला रहा था, कोई गिंदास मार रहा था, कोई तबल मार रहा था, कोई तलवार से काट रहे थे। इन शैतानों को पाकिस्तान भगाओ या कब्रिस्तान दिखाओ, ऐसे ऐसे बदतमीज के बोधन के नारे थे जो लगा रहे थे। भावड़ी ला खेड़ा फुगाना कुटबा जहाँ जहाँ इनके जा रहे तरीके बने हुए थे, इन्होंने एक कसर नहीं छोड़ी। हाथ पैर काटे, तेल छिड़का, आग लगाई, हमारे 13 लाशों में से 13 आदमियों में से 2 गिलास कटी हुई सड़ी हुई मिली है बाग पर नहर के अंदर से। बाकी इन्होंने रास्ता नहीं जा दिला के कहाँ पहुँचाएंगे। क्षेत्र में ऐसे नारे लगने लगे कि भाई मुसलमान के 2 स्थान, चाहे वो जाए कब्रिस्तान चाहे जाए पाकिस्तान, और भाई बेटी बचाओ और बहू बनाओ और जो सुंदर सुंदर है उनको रखो बाकी को काट दो, कुछ इस तरह के उनके नारे अनाप शनाप लगते रहे। उससे मुसलमान जो भयभीत भी होता रहा और ये सोचता रहा कि ये क्या है। फिर धीरे धीरे पढ़ा गया, ट्रेन में कोई दाढ़ी वाला मुसलमान मिला उसकी दाढ़ी काट ली, किसी को ट्रेन से धक्का दे दिया, कोई बाजार में रिचार्ज कराने आया तो टोपी वाला देखा उसको पीट दिया, कोई बस्ती में सामान बेचने वाला मुसलमान आया उसको पीट दिया, ये सब चलता रहा लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं खामोश रहा।